ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡାଟା ପ୍ରତି ବିପଦ, ଡାଟା ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚୀନ୍ ହ୍ୟାକରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଓ ସେରମ ଉପରେ ନଜର, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିର୍ମାତା ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। चीन और रशिया हैकर्स भारतीय कोविड वैक्सीन निर्माता उत्पादनकारी और कर्तृपक्ष को टारगेट करिछंती। इंटेल फार्मर रिपोर्ट अनुसार हैकर्स सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, पतंजलि एवं एम्स रु तथ्य चोरी पाई उद्यम करुछंती। रिपोर्ट अनुसार रोगी को डाटा, कोविड 19 वैक्सीन अध्ययन तथ्य, क्लिनिकल ट्रायल तथ्य और सप्लाई चेन तथ्य को हैक करने प्राय 15 हैकिंग कैंपेन चली। हैकर माने रोगी सूचना, कोविड 19 टीका अनुसंधान तथ्य, क्लिनिकल ट्रायल तथ्य एवं जोगाण श्रृंखला तथ्य चोरी करने को चाहती। भारत व्यतीत जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटाली एवं जर्मनी सहित 12 देश हैकर राडारे अच्छा। यह मध्य जणाई जे नकली चाकरी ऑफर पठाइबा व्यवहृत केतक ईमेल अकाउंट रशिया रो ईमेल ठिकणा रे पंजीकृत मध्य होईची। सेवळी माइक्रोसॉफ्ट अनुसारे कोविड 19 वैक्सीन ने गवेषणा करूतिबा 7 बड़ कंपनी उपरे उत्तर कोरिया और रशिया आखि रखिचंती। रिपोर्ट अनुसारे हैकर्स नियमित भाबरे बड़ फार्मा कंपनी और कोरोना वैक्सीन सहित जड़ित कानाडा, फ्रांस, भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को टारगेट करुचंती। विशेष करी रशिया स्टोंटियम फैंसी बियर एवं उत्तर कोरिया जिंक और सेरियम ग्रुप एथिरे शामिल अछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।